तो चलिए, लगातार पाकिस्तान की ओर कड़े कदम की बात लगातार की जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद से के मध्य विधानसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लेकर आए हैं नुक्कड़ बहस। हुए हैं गौरव, तमाम लोग आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। कुछ दिनों वक्त रह गया है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के महासंग्राम की बात करें, लगातार हम महासंग्राम में अलग अलग हिस्सों में जाते हैं महाराष्ट्र के, वहां पे चुनावी घमासान की बात करते हैं। इस वक्त मैं औरंगाबाद में मौजूद हूं और औरंगाबाद की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमारे साथ आम जनता है। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जरा एक बार कैमरा पैन करके आम जनता को दिखाए, क्योंकि हम सबसे पहले आम जनता की बात करते हैं, आम जनता से सवाल लेते हैं और उसके बाद से जो यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, किशन तिनवानी उनका नाम है, उनसे भी मैं मुखातिब करता हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है खास कार्यक्रम महाराष्ट्र के महासंग्राम में। नमस्कार। तो जिस तरीके से ये महाराष्ट्र का महासंग्राम लगातार हमारा जारी है, आज औरंगाबाद की जनता बताएगी कि दरअसल किशन तिनवानी को किन मुद्दों पे चुने। सबसे पहले मैं आम जनता से बात करता हूं, अगर महाराष्ट्र के महासंग्राम की बात किया जाए, आपके उम्मीदवार आपके सामने हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार, कैसा परिवर्तन चाहते हैं आप औरंगाबाद में? हम औरंगाबाद में परिवर्तन चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे रास्ते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो रास्ते का है, उसके साथ समांतर जलवाहिनी का है, जो पानी के लिए पूरी सिटी परेशान है। आज से जब किशनचंद तनवानी साहब ये महापौर थे, तो वो टाइम में उन्होंने ये जो जलवाहिनी का काम उनके कालखंड में जो उन्होंने किया था, तो वो योजना आज मतलब कुछ कारणवश आगे ढकेलती गई और आज वो योजना मतलब तीन साढ़े ये चुनाव आया है, पानी भी मिलेगा। आप बताइए, जब चुनाव आता है तभी कोई नेता आपके बीच में आता है, आपके मुद्दे बताता है, सबसे बड़ी समस्या क्या है आखिर यहाँ? यहाँ की समस्या है कि रोड, जो भाई साहब ने बोले रोड, उसके बाद में जो जिस तरह से ये कॉरपोरेशन में कारोबार चलता है, ये इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई ऑफिसर का कंट्रोलिंग नहीं है। पानी का जो समांतर है, जो पिछले एक महीने से जो ट्रांसफर हुआ है कॉरपोरेशन से ट्रांसफर हुआ समांतर को, लेकिन कोई कंट्रोलिंग नहीं है, इनका कोई फ़ोन नहीं उठाता, कुछ नहीं करता। और यहाँ के जो लोकल MPs है, वो कोई भी चीज़ पे या इनका कंट्रोल नहीं है या कंट्रोल इतने अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं लोग। कंट्रोल है इनका लेकिन तरीका अलग है, कंट्रोल तरीका अलग। अब सीधे उम्मीदवार के पास ही आता हूँ। किशन तिनवानी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपको जनता आखिर वोट क्यों दे, क्या मुद्दे हैं आपके पास? विकास का मुद्दा है मेरे पास में। जब मैं ये शहर का 2005-06 के अंदर महापौर था, जो ये बोल रहे कि सामंत हमारे पास में पहले थोड़े में अगर टाइम होगा तो मैं 2 मिनट आपके ले लूँ, क्योंकि हमारे शहर की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, बहुत कठिन समस्या हमारी। महाराष्ट्र में ये एक ही शहर ऐसा है जिसको पानी लिफ्टिंग करके लाना पड़ता है। आम जनता ने मुझे बताया कि आप लगातार यहाँ पे पानी की सप्लाई करते, 3 सालों से मुफ्त पानी दे रहे हैं। आप अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इसी आम जनता के लिए? आम जनता के लिए पहले, सबसे पहले पानी, और पानी भी प्योरीफाई वाटर, RO वाटर, पानी घर उधर पानी पीने का, ये देने का ही हमारी सरकार की योजना रहेगी। नहीं तो भी मैं मध्य का आमदार अगर बन गया, मैं लोगों ने मेरे पे विश्वास रखे तो घर उधर पानी पीने का मैं देने वाला है। चलिए आम जनता से पूछता हूँ, क्या किशन तिनवानी जी सही बोल रहे हैं, पानी आपके घरों तक देते हैं? हाँ, बराबर। आप बताइए, मिलता है? मिलता है, मिलता है। और क्या मांगे हैं आपकी अगर बीजेपी सरकार में आती है, इनसे बताइए। रास्ता और बिजली का, यहाँ पे GTL का जो ये राज चल रहा है ना, उसके वजह से लाइट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, मतलब लाइट का बिल बढ़ा के भरने के बाद भी आज लाइट नहीं मिल पा रही है। महिला सुरक्षा की बात करें तो मैं जानना चाहूंगा, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, किस तरीके की मांग करती महिलाओं की सुरक्षा के लिए? वही पानी का, रोड का। पानी तो आपको मिलेगा, आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी बिल्कुल बीजेपी के साथ में ही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके से आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सभी जागरूक रहेंगे और साहब का भी हमें सपोर्ट बहुत है महिला की सुरक्षा के लिए। सर आप ही बताइए, क्या पूरा प्लान बनाया आपने महिलाओं की सुरक्षा? महिला की सुरक्षा वैसे भी शहर में हमारी सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाकी जितने भी अफवाह है। अभी
महिला को ऐसा कोई सुरक्षा, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स है, उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी है, महिला रास्ते पे घूम सकती, रात को एक एक बजे तक का हमारे पास में प्रोग्राम चलते रहते तो भी लोग अकेले घर पे जाते। महिला की सुरक्षा हम लोग करते ही आए, पहले भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे। और इसके क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई बाकी शहरों के अंदर महिला को प्रॉब्लम है, ये हमारा शहर संभाजी नगर औरंगाबाद महिला को सुरक्षा की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी महिला को सक्षम है, हमने ये सब महिला को सक्षम करे हुआ है, लेकिन महिला की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य और आम लोग भी इनकी सुरक्षा। कहा यह भी जा रहा है कि आप शिवसेना में थे लगातार 10 से 15 सालों तक, शिवसेना का दामन थाम करके रखा, ऐसा क्या मोह आ गया मोदी के पास कि आप बीजेपी में चले आए, क्या दे दिया बीजेपी ने आपको? मैं शिवसेना में गए, 25 साल से शिवसेना में काम कर रहा हूँ। बीजेपी और सेना की युति महाराष्ट्र के अंदर थी, हम दोनों ने मिल के ही काम किया, अब ये युति टूट गई और भारतीय जनता पार्टी के विचार और शिवसेना के विचार, ये लगभग सरी के विचार है, ये कोई अलग अलग विचार नहीं है। तो मैं शिवसेना छोड़ के भाजपा में आया, इसका मतलब कोई शिवसेना से गद्दारी की ये बात नहीं है। मैं पार्टी छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, और विकास का जो मुद्दा आप लेंगे तो मोदी जी ने ये 4 महीने के अंदर जो काम किया है उसका विकास ये जनता के सामने है। दूसरा, हमारे लोकल प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, जो अभी आपके जनता ने भी आपको बताया कि हमारे जो MP है वो किसको कंट्रोल नहीं है, उनका कोई कुछ चीज़ का कंट्रोल नहीं है, शहर का विकास करना है। तो हमारे MP यहाँ पे करीब 4 टाइम MP रह चुके हुए, जैसा विकास होना ये शहर का वैसा विकास हो या नहीं है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मैं जाके ये शहर का विकास करने की कोशिश करूँगा, नहीं मैं ये शहर का विकास करूँगा। बिल्कुल, शहर के विकास करने की बात सामने आ रही है, मेरे साथ तमाम युवा भी हैं। अगर रोजगार की बात करें और खास करके पढ़ाई की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, क्या उम्मीदें हैं? यहाँ पे वाचनालय वगैरह कुछ भी नहीं है, वाईफाई इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है, और पहले जाने को बहुत प्रॉब्लम होता है, रिक्शा नहीं मिलती, और इतना ही। आप बताइए, आप रोजगार ज़्यादा होना चाहिए औरंगाबाद में। रोजगार कैसे बढ़ेगा, अपने उम्मीदवार आपके सामने हैं, उनको आप बताइए। नए नए फैक्ट्री लाए और जो वर्कर का टाइम है 12 हॉर्स का, वो कम करके 8 हॉर्स पे लाना चाहिए, क्योंकि उस पर जो मजदूर है उस पर ये ज़्यादा तान नहीं पड़ना चाहिए, तान नहीं पड़ा तो फिर वो काम अच्छी तरह कर पाएगा। और चलिए आप बताइए, रोजगार की बात यहाँ पे चलिए, किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, सामने आइए। जैसा गुजरात में नरेंद्र साहब जो विकास कर रहे हैं वही हिसाब से जो MIDC तो कांग्रेस ने आप 15 सालों में कुछ किया नहीं क्या आपके लिए? नहीं, जो भी अब ये है फैक्ट्रीज है वो आधे से बंद गिर गई है। हाँ। वो चालू होना चाहिए। तो नरेंद्र साहब से हम जो नम्र विनंती करते हैं कि हमारे ये संभाजी नगर में जितना ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगे उतना रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगे तभी रोजगार बढ़ेगा। चुनाव का समय है, मेरे साथ उम्मीदवार लगातार बने किशन तिनवानी जी। सर, आपके पास फिर से वही सवाल, रोजगार की बात आती है और आम जनता वोटिंग करती है, चुनाव में आप लोगों को सत्ता पे बैठाती है, लेकिन रोजगार के लिए हमेशा पीछे रह जाती है, शिक्षा व्यवस्था में पीछे रह जाती है, यहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बसों की सुविधा अच्छी नहीं है, रोडे खराब है, नालियां जर्जर है, मैंने देखा मार्केट के अंदर शौचालय तक नहीं है महिलाओं के लिए, पुरुष किस तरीके से लाइन लगा खड़े, कैसे दूर करेंगे इसे? नहीं, ये सब जो सहूलतें हैं ये सब सहूलतें हो जाएंगे। मैं आपको क्या बोलता कि ये शिव कॉरपोरेशन के अंदर जो हमारे नेते हैं बैठे हुए हैं, पहले युति के थे, अभी शिवसेना के हैं ये, तो इनका कंट्रोल ये कोई अधिकारी पे नहीं है, ये स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को बैठे हुए हैं। लेकिन अभी इसके आगे भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में सत्ता आने वाली है, और महाराष्ट्र में सत्ता आने के बाद में हम ये शहर का व्यवस्थित विकास करने वाले हैं। और रोजगार की जैसे आप बात कर रहे हैं तो DIM हमारे शहर में आ रहा है, परसों के दिन ही मोदी पंतप्रधान हमारे शहर में आके भाषण करके गए, और उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जापान गवर्नमेंट यहाँ पे आके उनके कंपनियाँ लगाने वाले हैं, तो ये रोजगार इनका उपलब्ध होना ही होना है, रोजगार को उपलब्ध होना है, महिला का सुरक्षा होना है, महिला के लिए शौचालय, ये पंतप्रधान ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि घर उधर शौचालय, बोलते महिला के लिए शौचालय, बोलते घर के अंदर शौचालय, स्कूल में शौचालय, ये सब होना। अब हमारी ओल्ड सिटी है मार्केट, उधर हमारे पास में स्पेशल शौचालय करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आसपास में कहाँ ग्राउंड होगा या क्या गार्डन होगा, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे अगर आप यहाँ जीत करके आते हैं, जनता आपको देती है? नहीं, तो जनता की जो रोजमर्रा की जो सुविधा मेरे को देना चाहिए, जो पानी है वो मैंने वचन दिया हूँ, मैं दूंगा ही दूंगा घर उधर पानी। इसके बाद में रोड का काम मैं करने ही वाला हूँ, गुंटेवारी 2005 तक का रेगुलाइज करने का मेरा दावा है। सामांतर जलवाहिनी का जैसा बोले इन्होंने कि सामांतर जलवाहिनी का जो 2005 से लेकर 2014 तक का ये 1200 करोड़ रुपये बढ़ गए हुए, तो अगर
हमारी सत्ता आ रही केंद्र सरकार से मिलके ये योजना करना, लेकिन क्या आप सहमत हैं? इन्होंने अभी तमाम बातें गिनवाई, पानी, सड़क, बिजली, क्योंकि चुनाव में 8 दिन बचा हुआ, तो सहमत है कि हाँ ये बातें हो जाएंगी? हाँ, ये बातें तो होने वाली है। जो जो मोदी सरकार आ जाएगा, ऊपर नीचे का एक ही सरकार बनने वाला है, तो उससे ढंग से काम बनने वाला है। बताइए, 15 साल पुराना गठबंधन टूट गया है, बीजेपी और शिवसेना अलग हो गई है। चलिए आपसे मैं जानता हूँ, बीजेपी शिवसेना अलग हो गई है, क्या 15 साल तक इन्होंने भी शिवसेना का दामन थाम के रखा, अंतर नहीं लगता आपको उम्मीदवार में कि अब अचानक बीजेपी में आ गए, क्यों इनको वोट दें? हमें शिवसेना और बीजेपी का बहुत बड़ा अंतर लगता है। जिन्होंने वो जो प्रत्याशी दिया है पहले का जो प्रदीप जायसवाल जो दिया है, तो उन्हें शिवसेना से गद्दारी करके शिवसेना को गाली दे के उन्हें 3 साल कांग्रेस को साथ दिया, महानगर पालिका में 2 बार सभापति किया शिवसेना के, शिवसेना खत्म करूंगा बोल के बोला। और सही बात है क्योंकि वो गिरने के बाद अपक्ष चुन के आने के बाद 3 साल उन्होंने कांग्रेस के साथ में गए, और अभी आखिरी टर्म में जब बात आती है इलेक्शन की, तो जब शिवसेना में वापस आते हैं और फिर से टिकट दिया शिवसेना ने, फिर कहाँ से हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। पूरी जनता नाराज है, यहाँ पे पूरी जनता पूरे बोलता है काम नहीं, तो कहाँ से अभी टिकट देने के बाद हम चुन के नहीं देंगे। चलिए आम जन थोड़ा और आप इधर हटिए, सरकारी चिकित्सालय बने होते हैं इलाज के लिए, जब वहाँ पे आप जाते क्या उपचार मिलता है आपको? सामने आइए आप लोग, सामने बताइए। कुछ नहीं मिलता, इलाज नहीं है अभी। डॉक्टर बैठे रहते हैं वहाँ पे? डॉक्टर नहीं रहते। क्या अभी क्या हाल है वहाँ का? वहाँ ऐसी हाल है कि अभी कॉर्पोरेशन के कोई डॉक्टर वहाँ आते नहीं है, और जो लेडीज होती है खास करके जो महिलाएं गर्भवती महिला होते हैं उनको कोई सुविधा मिलती नहीं है, उनको घाटी या जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें कोई सुविधा नहीं मिलती, उसके वास्ते उन्हें प्राइवेट इसमें जाना पड़ता है और डबल ट्रिपल फीस उनको देना पड़ता है। आपके पास फिर आता हूँ, कैसे दूर करेंगे इसे, क्योंकि सरकारी चिकित्सालय की बात करें, एक आम जो गरीब जनता होती है पहले वहीं जाते हैं क्योंकि उपचार उसे फ्री में मिलता है, तो इसके लिए क्या आपके पास प्लान है? नहीं, इसके अंदर कैसा है कि ये घाटी हॉस्पिटल जिसको मेडिकल बोलते हैं हमारे शहर के अंदर एक है, उसके अंदर शासन के जो प्रतिनिधि है डॉक्टर है वो उन्होंने अपॉइंट किए हुए नहीं है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर हो जाते प्रैक्टिस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाने उन्होंने कि जो नए डॉक्टर जो बनते कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल उन्होंने मेडिकल में ही सेवा देने को होना, और ये शहर के अंदर और एक मेडिकल कॉलेज में लेके आऊंगा ऐसा मैंने वचन पत्र में नाम दिया है। हम सुन रहे हैं लोग त्रस्त हैं और तमाम जो लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उसको लेकर लोग यहाँ पर शिकायत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी से लोगों को काफी उम्मीदें इस वक्त लगती हुई नजर आ रही है और तमाम चीजों के लिए बीजेपी सरकार बनाने की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम लोगों की राय जानी। चलो इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लगातार हमारे संवाददाता गौरव उस पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।